मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। जी राजीव भाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पीके और उसका ये सवा सत्यानाश। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है। तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पे लाएगा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो गर्म ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए। और इन दो चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है हम गरम गरम खाना खा के आइसक्रीम जरूर खाते हैं, अपना सत्यानाश करते। और ये सत्यानाश कैसे होता है? कोई आपको शादी में बुलाता है इनविटेशन देके कि आइए और हमारे यहाँ गरम डिनर खा के आइसक्रीम खा के मर के जाइए, और एक नहीं खाइए डबल खाइए। और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे हैं कि आइसक्रीम में गरम रसगुल्ला डाल के खाते, महामूर्ख लोग पता नहीं कहां से आए, गरम गरम रसगुल्ला एकदम ठंडे आइसक्रीम में डाल के खाते। फिर पूछो भाई क्या कर रहे हो, तो कहते टेस्ट है जी, शरीर का देखना है कि नहीं, ये है कि टेस्ट का देखना है। तो आप कहीं भी डिनर में जाइए, मैं ये नहीं कहता डिनर में मजा जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आइसक्रीम मत खाइए। और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं याद ही नहीं रखते, अभी चाय पी अभी आइसक्रीम खा ले, हाँ उनको बिल्कुल एक मिनट नहीं लगता, चाय पी के निकले कहीं आइसक्रीम खा के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए इधर चाय पी ली या इधर कॉफी पी ली। तो चाय और कॉफी दोनों गर्म है और आइसक्रीम बहुत ठंडी है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत तकलीफ होती है शरीर को। एक घंटा कम से कम गर्म चीज खाने के एक घंटे के बाद ठंडी चीज, या ठंडी चीज खाने के एक घंटे के बाद गर्म चीज। और वैसे मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम तो 10 डिग्री से कम की है, वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर आइसक्रीम को कैसे खाएं, गर्म करके खाइए। अगर आइसक्रीम खानी है तो उसको गर्म करें। मैं एक अमृतसर गया था एक बार, तो अमृतसर में एक बहुत अच्छी चीज शायद यहां भी होगी, कुल्फी। ये जो कुल्फी है इसको थोड़ा गर्म करके खा लीजिए, आइसक्रीम से बेटर है, 1000 times बेटर है। क्यों? हाँ रबड़ी खाइए ना, तो कुल्फी वो शायद रबड़ी की ही बना है, खूब दूध गर्म करके रबड़ी जैसा हो जाता फिर कुल्फी जमाते, तो कुल्फी को थोड़ा गर्म करेंगे तो रबड़ी जैसा ही हो जाता, वो खाने लायक है। माइक्रोवेव से अच्छा है गैस का चूल्हा। तो आप जो है रबड़ी खाइए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए, कुल्फी पे आ जाइए और कुल्फी को हल्का गर्म करके खाइए, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। कारण एक ही है कि आइसक्रीम में जितने केमिकल्स हैं कुल्फी में एक भी नहीं, कुल्फी में दूध ही दूध है, वो भी अच्छे से गर्म किया हुआ है, बस उसको ज्यादा ठंडा कर दिया तो वो जम गया है, आप उसका ठंडापन निकाल के खा लीजिए, भाव करके खा सकते। और नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन बताता हूं, खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सलीके से खाइए। जैसे आप कुल्फी खा रहे हैं ना, तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, कुल्फी का टुकड़ा काट के मुंह में रखिए और उसको घुमाइए, तो जो लार है वो उसको अपने आप गर्म कर देगी, जब हल्की गर्म हो जाए फिर अंदर ले जाए। ये लास्ट ऑप्शन है, जब खानी ही है तो मेरी बात तो मानिए, उसको गर्म करके खाइए, खानी ही है तो थोड़ी देर मुंह में रखिए, उसको घुमाइए, थोड़ी लार से वो गर्म हो जाएगी, फिर आप ले। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें,
फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।